हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया नागपुर में, उसे मात्र 2.5 दिनों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली और भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। और इसके बाद अब भारतीय टीम जो कि पहुँच चुकी है दिल्ली, जहाँ पर दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन बता दें कि इस महा मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लेकर दो बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो सबसे पहला खबर है वह जुड़ा हुआ है सूर्य कुमार यादव के लेकर। बता दें कि सूर्य कुमार यादव जो कि इसी टेस्ट सीरीज में डेब्यू किए हैं टेस्ट में, लेकिन अब खबर है कि सूर्य कुमार यादव दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो सकते हैं और उनके जगह वह भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शुभमन गिल को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि शुभमन गिल अभी करंट में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तीनों फॉर्मेट के बाद करें वनडे टेस्ट और T20 का। तो दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर का बात करें तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है श्रेयस अय्यर से। बता दें कि भारतीय टीम के स्क्वाड में अभी भी श्रेयस अय्यर का नाम है, क्योंकि सभी का उम्मीद था कि शायद श्रेयस अय्यर दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे और भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका मिल जाएगा दूसरे टेस्ट मुकाबले में। लेकिन अब बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहां दोस्तों खबर है कि श्रेयस अय्यर भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी हो रहा है उस सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इनके जगह पर कोई और खिलाड़ी शामिल हो सकता है टीम इंडिया के स्क्वाड में। तो दोस्तों, यह दो बड़ी खबर जो कि दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले निकल के आ रहा था, आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।